हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त काजोल। अरे ये क्या, सौंदर्य शर्मा और सुजिता ने लिप लॉक कर लिया है? हाँ, ये कैसे हो गया? कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 16 का हर एपिसोड धमाकेदार हो रहा है। बीते एपिसोड में भी काफी कुछ हुआ। एक तरफ जहां अर्चना गौतम और विकास के बीच गंदी लड़ाई हुई, तो वहीं दूसरी ओर गुस्साए शालीन भनौत अपना आपा खो बैठे और चेयर इधर से उधर फेंकने लगे। प्रियंका की भी सौंदर्य शर्मा से लड़ाई हो गई। इसके अलावा बीते एपिसोड में कुछ ऐसा भी हुआ जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है। ये था सौंदर्य शर्मा और सुजिता के बीच रोमांस। जी हाँ, बीते एपिसोड में अर्चना, विकास और शालीन की लड़ाई खत्म होने के बाद रात में जहां बिग बॉस के घर में लाइट्स ऑफ होते ही सभी कंटेस्टेंट सो गए थे, तो वही सौंदर्य शर्मा, सुजिता और अब्दुल रोजी कैप्टन शिव ठाकरे के रूम में बैठकर मस्ती मजा कर रहे थे। इस दौरान किस को लेकर बात होने लगी। जी हाँ, किस। और फिर सौंदर्य और सुजिता ने एक दूसरे को लिप लॉक कर दिया। उन्हें ऐसा करते देख शिव और अब्दू एकदम शॉक हो गए और आंखें पार पार कर देखने लगे। सौंदर्य और सुजिता अब्दू को भी किस करने के लिए कहती हैं, लेकिन अब्दू कहते हैं वो पागल हो गई है क्या। वो मशहूर डायलॉग है ना अब्दू का, पागल है क्या। अब्दू और शिव कहते हैं कि उन्होंने ये क्या देख लिया। वो दोनों सौंदर्य और सुजिता के मजे लेते हैं। सुजिता सफाई देती है कि 2 दिन बाद उनका पैचअप हुआ है, इसलिए वो बहुत खुश है। फिर भी अब्दू और शिव मजाक उड़ाते रहते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कभी भी लड़कियों को लिप लॉक करते नहीं देखा भाई, लेकिन अब तो देख लिया। इस भी सौंदर्य कहती हैं कि उन्हें जज ना करे। बाद में सौंदर्य अब्दू के गाल पर किस कर देती हैं और अब्दू शर्मा जाते हैं। फिलहाल बिग बॉस 16 के अपकमिंग एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क होने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि हफ्ते कौन से कंटेस्टेंट नॉमिनेट होते हैं। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान के कुछ सीन्स और गानों में बदलाव होगा। जी हाँ, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन ने गुरुवार को फिल्म मेकर्स को बदलाव के लिए कुछ सुझाव दे दिए हैं। पठान के गाने बेशरम रंग पर विवाद के बीच CBFC के चेयरपर्सन प्रसून जोशी ने कहा कि हमने मेकर्स से कहा था कि वो फिल्म की रिलीज से पहले रिवाइज वर्जन हमारे पास सबमिट करें। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को बारीकी से देखने के बाद ये सुझाव दिया है। CBFC के चेयरपर्सन प्रसून जोशी ने पठान पर कहा कि सेंसर बोर्ड हमेशा से ही क्रिएटिविटी और दर्शकों की संवेदनशीलता के बीच बैलेंस बनाकर रखता है। हमें विश्वास है कि बातचीत के जरिए कोई ना कोई रास्ता हम निकाल सकते हैं। फिल्म 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होनी है। नहीं नहीं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जो दीपिका की भगवा बिकनी है उसका कलर जरूर चेंज हो सकता है, बाकी सब कुछ वैसा ही रहने वाला है। आप थिरकते रहिए बस बेशर्म रंग पर। पठान के गाने बेशर्म रंग में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भगवा बिकनी में दिखाई दी है। इसी पर विवाद शुरू हो गया। इसके बाद पठान के सेंसर बोर्ड के पास भेजा गया। प्रसून जोशी कहते हैं कि हाल में फिल्म पठान हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए आई, ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति और मान्यताएं महान हैं। हमें इस बारे में बेहद सावधान रहना होगा कि बेकार की बातों से प्रभावित ना हो। शाहरुख खान पठान के साथ करीब 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। ऐसे में उनके फैंस जो हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी करके बस पठान रिलीज हो जाए और हमें थिएटर में जाने का मौका मिल जाए। शाहरुख इससे पहले 2018 में आई फिल्म जीरो में नजर आए थे। बतौर लीड वो पठान से धमाकेदार कमबैक करने जा रहे हैं। फिल्म का बजट करीब 250 करोड़ है। फिल्म के मीडिया राइट्स तकरीबन 100 करोड़ में बेचे गए हैं। बेशर्म रंग गाने को 2 हफ्तों में 15 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि बेशर्म रंग भले ही रंग पर विवाद हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये गाना बहुत पसंद आ रहा है, तभी तो लाखों में रील्स बन रही है। अंबानी परिवार में जश्न का माहौल है। जी हाँ, अंबानी परिवार में नई बहू आने जा रही है। अब गुड न्यूज ही कुछ ऐसी है। बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी का रोका हो गया है। बहुत जल्द दोनों की शादी होगी। कपल की रोका सेरेमनी से पहली तस्वीर सामने आई है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। उनकी सेरेमनी राजस्थान स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में हुई। अनंत और राधिका की शादी कब होगी इसकी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, तो उम्मीद भी आप मत रखिएगा, जैसे ही जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचा देंगे। अनंत और राधिका सालों से एक दूसरे को जानते हैं। राधिका को अंबानी परिवार के हर फैमिली फंक्शन में देखा जा सकता है, आपने भी देखा होगा। अब बहुत जल्द राधिका अंबानी परिवार की छोटी बहू बनने जाएंगी। राधिका वीरेन मर्चेंट और शैला मर्चेंट की बेटी हैं। वीरेन एनकोर हेल्थकेयर के CEO हैं। राधिका के पिता वीरेन भारत के अमीर शख्सियतों में से गिने जाते हैं।
राधिका ने अपनी स्कूलिंग मुंबई में की। इसके बाद वे स्टडी के लिए न्यूयॉर्क गई। वहां उन्होंने पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद 2017 में उन्होंने स्ट्रावा टीम को एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर ज्वाइन किया। उन्हें रीडिंग, ट्रैकिंग, स्विमिंग करना बेहद पसंद है। राधिका दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। राधिका और अनंत बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। राधिका और अनंत की 2018 में साथ में एक फोटो तेजी के साथ वायरल हुई थी। फोटो में दोनों मैचिंग ग्रीन आउटफिट में नजर आए थे। राधिका एक ट्रेंड इंडियन क्लासिकल डांसर भी हैं। जून 2022 में अंबानी परिवार ने अपनी होने वाली बहू राधिका मर्चेंट के लिए अंगेतरम सेरेमनी होस्ट की थी। वहां बॉलीवुड के नामी सितारे पहुंचे थे। सेरेमनी से राधिका के क्लासिकल डांस करते हुए कई वीडियो सामने आए थे। लोगों को भी बहुत पसंद आए थे। इन वीडियोस में जिसने भी राधिका का डांस देखा उन्हें राधिका की तारीफों के पुल बांध दिए। राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी को रोका सेरेमनी की ढेरों बधाइयां। और ऐसी चटपटी मसालेदार खबरों के लिए आप देखना मत भूलिए बॉलीवुड गपशप।